हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि आर माधवन डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे हैं फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट से। ये सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म नहीं है बल्कि ये एक इंडियन फिल्म है जो तीन लैंग्वेज में शूट हुई है, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। देखा जाए दोस्तों तो आर माधवन की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को लेकर इन दिनों मीडिया में खूब चर्चा है, जो कि जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रॉकेटरी इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक नंबी नारायण कौन है? जिनकी लाइफ से माधवन इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला लिया। चलिए हम आपको बताते हैं नंबी नारायण के इंस्पायरिंग और ड्रामेटिक जर्नी के बारे में। नंबी नारायण, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हुए और सरकार को उन्हें हट जाना भी देना पड़ा। वेल, है ना इंटरेस्टिंग। एस नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 के एक तमिल फैमिली में हुआ। उन्होंने नारकोल के एक डीवीवी स्कूल में अपनी बाकी की एजुकेशन कम्प्लीट की। इसके बाद मेधावी छात्र नंबी ने केरला के त्रिवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक की डिग्री ली। 1969 में नारायण ने नासा की एक प्रतिष्ठित फेलोशिप जीती, जिसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका के प्रिस्टन यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्हें रॉकेट की तकनीकी समझने के साथ साथ अपने लक्ष्य को समझने में भी मदद मिली। भारत लौटने के बाद नंबी नारायण ने इसरो में काम करना शुरू किया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी लाने वाले सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नंबी नारायण थे। पहले देखा जाए तो देश में पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेलर्स पर निर्भर थी, लेकिन 1970 में नंबी ने लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी भारत में लेकर आए और इसके साथ ही देश में ईंधन रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसका उपयोग इसरो ने अपने कई रॉकेट के लिए किया था, जिसके थ्रू पहला रॉकेट जो भेजा गया था वो था PSLV और दूसरा जो रॉकेट था वो था GSLV। नंबी नारायण ने अपने करियर में विक्रम भाई साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया। लेकिन आते आते 1994 में नारायण पर इंडियन अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़ी गोपनीय जानकारी को लीक करने का झूठा आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने अंतरिक्ष प्रोग्राम की जानकारी मालदीव के दो नागरिकों को साझा की, जिन्होंने इसरो के रॉकेट इंजनों की इस जानकारी को पाकिस्तान को बेच दी। इन आरोपों के बाद केरल सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। 50 दिन तक वो जेल में रहे। इसने बहुत अत्याचार किया और उसके बाद कहीं जाकर नंबी रिहा हुए। लेकिन सेम ये इंडिया है, इतनी जल्दी कोई भी चीज साबित नहीं होती। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नंबी नारायण ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। नंबी पर लगे आरोपों को 1996 में CBI ने खारिज कर दिया, जिसके बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बेकसूर बताया और केरल सरकार को उत्पीड़न करने के लिए मुआवजा देने के लिए कहा। इस केस को जीतने के बाद केरल सरकार में गजब की उठापटक भी देखने को मिली। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायण पर रचे गए इस साजिश की CBI जांच करने की भी आदेश दी। मतलब कि आखिर ये जो अफवाह है किसने फैलाई, किसने कहा कि यहाँ नंबी नारायण ने ये जो बातें लीक की। दोस्तों केस जीतने के बाद केरल सरकार ने नंबी नारायण को 1.5 करोड़ के आसपास की मुआवजा अदा किया। साल 2019 में नारायण को सरकार ने भारत के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा। और इसी कहानी को लेकर हमारे और आपके सामने आएंगे आर माधवन। वेल, कहानी सच में माइंड ब्लोइंग, इंस्पायरिंग और मजेदार है। मतलब ये बड़े पर्दे पर जरूर कमाल करेगी और देखना होगा कि कितनी बड़ी लड़ाई होती है। साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो हमने और शायद आपने जो युद्ध है उन्होंने PSLV और GSLV कैसे लॉन्च हुआ वो नहीं देखा, तो शायद फिल्म में भी वो दौर भी दिखाए कैसे वो लॉन्च हुआ और किस तरह से इस टेक्निक का, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, वो सब हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए, कैसी लगी स्टोरी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।